मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है बी एस 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 रिदम में मैं आमिर महबूब एक बार फिर आप सबके साथ मौजूद हूं हाजिर हूं जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑल यू लवली लिसनर्स ऑफ बी एस 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 रिदम द वेरी हैपनिंग रेडियो ऑफ ऑनलाइन रेडियो ऑफ द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज वी ऑलवेज ट्राई टू रिक्वेस्ट टू इनवाइट एंड टू गेट प्रोमिनेंट अचीवर्स एंड ऑफ़ कोर्स पीपल हु हैव डन समथिंग गुड एंड समथिंग ग्रेट इन दियर फील्ड इन दियर एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज वो कोई भी क्षेत्र हो एजुकेशन हो एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, हर फील्ड से कुछ चुनिंदा लोगों को हम यहाँ बुलाते हैं रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बी एस एस रिदम के लिसनर्स सुने जाने समझें इंस्पायर हों मोटिवेट हों उनकी जर्नी से तो इसी कड़ी में प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों ऑल यू डियर रिदमाइट्स हमारे साथ आज बी एस एस रिदम स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रिजवाना जमाल जो कि प्रिंसिपल हैं सेफिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज और सेफिया साइंस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं एंड शी इज़ अ सीनियर एकेडमिशियन शी इज सर्विंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर ऑलमोस्ट थर्टी फाइव ईयर्स यस यू हर्ड इट राइट लास्ट थर्टी फाइव ईयर्स शी वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट in her field and now she is also a research guide many people are pursuing phd's and various other educational programs dr rizwana is also a part of many social organizations apart from her job of college principal being a principal she is doing a lot for the society as a whole in the city of bhopal for women for poor for the upliftment and for the growth She is a multitasking lady, Dr. Rizwana, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस्तबाल है बी एस एस रेडियो रिदम में शुक्रिया बहुत बहुत आमिर महबूब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का कॉल करने का और ये जो काइंड वर्ड्स आपने मेरे लिए कहे हैं इसके लिए बहुत दिल से शुक्रगुजार डॉक्टर रिजवाना आज आप बी एस कॉलेज में आई हैं पहले भी आ चुकी हैं आप कुछ बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आपको कॉलेज में आकर कैसा लगा मुझे कॉलेज में आके इनफेक्ट जब मैं एंटर हुई थी तो मैं यहाँ पे बहुत डिस्ट्रेस थी थोड़ी सी मूड ठीक नहीं था लेकिन द वंस आई एंटर्ड इन द बीएसएस एस मुझे यहाँ आके लगा कि यहाँ के जो ग्रीनरी है यहाँ के सीरीन एकेडमिक इन्वायरमेंट एम्बियंस ने मेरा पूरा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर टीचिंग डिपार्टमेंट्स फैकल्टी स्टूडेंट्स सब इतने लाइवली एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ डिसिप्लिन में लगे कि मुझे अपने अंदर एक अलग ही लाइफ आई कैन

विच इज़ अ वेरी रेप्यूटेड पोस्ट अ वेरी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट बींग अ प्रिंसिपल एंड बींग अ प्रिंसिपल ऑफ ऑफकोर्स वन वेरी रेप्यूटेड एंड द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ भोपाल सेफिया कॉलेज मुझे मालूम है वो एक बहुत ही सबसे पुराना और एक बहुत ही मशहूर और बहुत अच्छा कॉलेज है जहाँ की फैकल्टी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि फैकल्टी वहाँ की बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है वहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं आप Uh, आपने कॉलेज के बारे में बताइए आप उसको कैसे मैनेज करती हैं और आपके क्या चैलेंजेस हैं बच्चों को लेकर आप इतना अच्छा कर रही हैं अपने स्टूडेंट्स के Actually, साथ एक्चुअली मिस्टर महबूब मैं जब एज अ प्रिंसिपल शिप मैंने ऑप्ट करी इट वॉज़ लास्ट ईयर

और मैं आई हैव डिसाइडेड माई सेल्फ कि जो स्ट्रेटेजी मैंने अपने फैमिली में अपनाई वही स्ट्रेटेजी मैं इस कॉलेज प्रमाइसिस में लूँगी टेकिंग एवरीबडी Uh, along with me, uh, moving to, uh, along, moving together, and uh, up for the upliftment of each and every uh, field, whether it is uh, faculty, students, or inns or librarian, I have to take care of each and everyone, and with positivity, with, uh, with that simplicity which is in me, I, have, I decided not to change myself i have to move along with myself to take it to great, hand over this responsibility. Great. Yes. Uh, here i would like to bring to your kind notice that we at bss are also extremely blessed to have our mentor, dr. father john, who is our principal. we all are also like a family and we are growing, we are developing, we are progressing in leaps and bounds under the very able guidance. डॉक्टर

Smoothly, and so uh, you can say that the this uh, environment, this ambience, this uh, uh, happening environment is reflecting outside also in the society. Thank you and so much, uh, ma'am. Yes. Yeah. Uh, ऑफकोर्स गुड लीडरशिप ब्रिंग्स गुड परफॉर्मेंसेज एंड गुड टीम वर्क मैम वॉट वुड यू लाइक टू से टू आर डियर स्टूडेंट्स क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज uh, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा आपको तो आपको खुद इतनी एक्सपीरियंसड हैं सोशल मीडिया कुछ कुछ बच्चे देखते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट <laughs> हो रहे हैं टाइम मैनेजमेंट <laughs> की कहीं कही ना कहीं कुछ बच्चों में कमी दी जाती है <laughs> हमारे तो बहुत ही रेगुलर क्लासेज होती हैं आप कुछ अपने गोल्डन वर्ड्स बच्चों को आज मैसेज शेयर करके जाइए हमारे बी रिदम की टीम के लिए हमारे डियर बी एस Uh, I just want to share here in this aspect case I have seen that the youths are today uh, they are really striving hard for their success yes options they are opting to get to that success to get to that goals to achieve that goals but at the same time they are not at all preparing for the failure ah. for the failure that is very important that they uh, uh, do their goals कैन मेक रूम फॉर द एनी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स क्या वो अपने uh, जो फेल्यूअर है उसके लिए कुछ वर्क uh, uh, कर रहे हैं कुछ मेहनत कर रहे हैं कि अगर सपोज जिंदगी में उनको कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटकम मिले तो वो उस uh, answer, सक, uh, जो फेल्यूअर हुआ उसको फेस करने की उनके अंदर क्या होगा बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं एंड देट इज़ बिकॉज के दे आर इन अ कॉम्पिटेटिव स्प्रिट दे जस्ट वॉन्ट टू रीच टू अ ग्रेट हाइट बट दे आर नॉट एट द सेम टाइम प्रिपेयरिंग फॉर देम फॉर देम सेल्व टू फेस एनी सच अनुर्ड सिचुएशन इन सपोज अगर आपके कोई सपोज फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई या yeah. कुछ आपका बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग रोल लीडिंग जॉब आपका छूट गया तो उस वक्त दे कोलेब्स दे कोलेब्स दे आर नॉट प्रिपेयर फॉर देट सिचुएशन सो वो उनको करना है एट द सेम टाइम सिंसियरिटी लाना है अगर उनको अपने कोई अचीव करना है गोल को सिंसियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंसियरिटी कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू अचीव एनी गोल इन लाइफ Very true. Sincerity, commitment, commitment, dedication, perseverance, all you said it very right.

गिरते हैं शेह सवारी शे सवार मतलब जो घोड़े पर बैठते हैं वही तो गिरते हैं वही गिरते, गिरते हैं हैं शे सवार ही मैदान जंग में वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले तिफ्ल मतलब एक छोटा बच्चा जो घुटनों पर चल रहा है वो क्या गिरेगा घोड़े वाले ही गिरते हैं तो फेलियर्स आर दस टू सक्सेस थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वाइज एंड वर्ड्स ऑफ विजडम Motivation. Thank you so much. Uh, I'm am, also moving for, from here with uh, lots of motivation one, behind. One last question. <laughs> yes. Uh, I was going through your profile. I was reading your profile, uh, you know, which you gave us. You are a successful academician. You are a successful mother. You are a you are an uh, a very f effective social worker. You are performing so many roles. Could you please share something that? वो बातें जो ध्यान में रखना चाहिए आप इतनी सारी आजकल वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम बहुत देखी जा रही है एक्जैक्टली exactly, exactly. कुछ लोग या तो वर्क लाइफ में वर्क में सक्सेसफुल हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में हम लोग दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करें Actually, क्योंकि uh, दोनों चीजें ही uh, बहुत जरूरी आई नो आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल सेट आमिर एक्चुअली देखिए आई एम मैनेजमेंट साइड टोटली मैथमेटिक्स में थी वेरी डल एंड ड्राई सब्जेक्ट डल एंड ड्राई सब्जेक्ट था लेकिन uh, मैं जो मैं कहना चाहती हूँ वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग प्रियर अगर सपोज मैं ना पास्ट में रहती हूँ ना फ्यूचर में वॉट कम्स आज Today. प्रेजेंट में मुझे क्या करना है उसको मैं डिसाइड करती हूँ। एंड उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करती हूँ देट क्योंकि एट द सेम टाइम आई एम आडमिशियन ऑल्सो आई हैव टू लुक आफ्टर माई डॉटर शी इज़ एन अ टीनेजर और फिर टीनज एज में है उसकी और उसके घर को भी देखना रहता है बाहर को भी तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना आपको डिसाइड करती हूँ कैसे मैनेज करना है और एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट इज़ देयर वो होना ज़रूरी है आपको ऑर्गेनाइज़ होना है टाइम मैनेजमेंट करना है कब प्रायोरिटी वाइज यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मैनेज अगर सपोज आपको मॉर्निंग में कहीं जाना है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो यू हैव टू सेट एवरी थिंग असाइड बाकी सब चीज़ें अलग उसको रिस्पॉन् उसको आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना आपको उसको टारगेट करना है कहाँ का जाना है उसको उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑर्गेनाइज करना है अपने आपको मैनेज करना है ये मेरे और एक्चुअली uh, मैं भी जैसे मैंने कहा कि मैं भी बहुत हैपिनिंग टाइप ऑफ पर्सन हूँ मुझे अपना सोशल सर्कल अपनी फ्रेंड्स अपने रिलेटिव सबसे भी uh, मिलना इंट्रैक्शन करना वो मेरी जस्ट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट टू सोशल एंटरटेनमेंट टू भी तो वो भी मुझे उसको भी अकॉर्डिंगली मैनेज करना रहता है तो जिस जगह मैं जाती हूँ टोटली ऑक्यूपाइड हो जाती हूँ उस जगह पर जैसे सपोज आई एम सिटिंग सिटिंगयर तो मैं अभी मेरे दिमाग में घर का कुछ नहीं है आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट my फैमिली अबाउट my डॉटर what शी इज़ डूइंग हाँ अगर मैं कॉलेज में होती हूँ विदिन कॉलेज प्रमाइसिस तो मैं सिर्फ कॉलेज को डेडिकेटेड करती हूँ अगर मैं किचन में होती हूँ तो किचन को ही डेडिकेटेड होती हूँ उस वक्त मैं किसी और चीज़ को अपने दिमाग में नहीं रखती सो so, क्या होता है कि जब मैं उसको डेडिकेशन के साथ वो काम करती हूँ तो विद इन सपोज़ अगर कोई काम एक घंटे का तो मैं हाफ़ एन आवर में फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि मेरा सिर्फ दिमाग वहीं रहता है उसको किस तरह से मैनेज करना है फास्ट फास्ट विद यू कैन वो भी मेरी अंदर है कि आई हैव टू डू एवरीथिंग विद परफेक्शन एंड आई आई हैव टू रीच हेयर तो आई हैव टू रीच दिस इंस्टीट्यूशन ऑन टाइम आई हैव टू बी पंक्चुअल आई हैव पंक्ुअल माई सेल्फ बिल्कुल प्रॉपरली ड्रेसअप वो भी मेरी एक प्रायोरिटी रहती है राइट गिविंग यूर हंड्रेड परसेंट इन वॉट एव आई डेस बिकॉज ऑफकोर्स यू है बेस्ट एक बार आप अपने काम पे आए तो आप पूरे काम घर का, पे जाए yes. तो घर पर रहें वेल सेड मैम टाइम साइमल्टेनियसली बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं उनको दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड दे आर कंफ्यूज उनको यह भी करना है यह भी करना है यह भी करना है तो किसी भी एक चीज पे फोकस दे आर नॉट फोकसिंग वो हाफ हार्टेडली दे आर डूइंग एवरीथिंग थैंक यू मैम यू सेट इट राइट बींग फोकस्ड सेटिंग योर गोल्स एंड सेटिंग योर प्रायोरिटीज वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट अभी आप स्टूडेंट सब जो सुन रहे हैं आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडीज आपके ग्रेड्स आपका कैरियर होना चाहिए ना कि सोशल मीडिया या दूसरी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें और आप हंड्रेड परसेंट आपने सुना है कि अर्जुन को सिर्फ जो आंख दिख रही थी आपको सिर्फ अपना गोल और टारगेट दिखेगा तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत सफल और कामयाब होने से नहीं रोक सकती यस yes, हमारे कलाम साहब ने कहा था ड्रीम्स आर नॉट दोज विच कम इन यू स्लीप बट ड्रीम्स आर दोज विच डोंट लेट यू स्लीप सपना वो नहीं जो आपको नींद में आए सपना वो है जिसको पूरा किए बिना आपको नींद में नहीं आए आप बिल्कुल जुट जाइए पैशन एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव यू हंड्रेड परसेंट थैंक यू वेरी मच मैम वन लास्ट मैसेज फॉर बी एस एस आस बी एस एस बी एस एस आइट्स एंड बी एस एस रिदम बेस्ट विशेस मैं आपको आके कैसा yes, लगा यस बेस्ट विशेस टू बेसिस रिदम एंड द होल बेसिस फैमिली फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर्स फॉर देयर देयर फ्यूचर प्रोजेक्ट जो भी आपका सेट है उसमें आप लोगों को सक्सेस मिले और आप इसी तरह ग्रो हो दिस इज माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल थैंक यू वेरी मच मैम ट्रूली अ प्रिविलेज टू हैव यू एट बीएसएस रिदम एंड आई एम श्योर <clears throat> you will continue doing the great job in the field of education, thank you academics, so in all other areas. I also need your wishes. Thank you so much for all your kind wishes, kind words. I would love to be here second time also along with you. <laughs> thank you very much, Dr. Rizwana. Uh, thank you very much to all of you, dear listeners. BSS Rhythm, yes, BSS Rhythm will continue bringing very high quality programs. To all of you, which will definitely be beneficial, helpful, and of course useful for all of us. Keep listening and keep enjoying BSS's rhythm. Thank you.